मांझी प्रखंड के बांगरा पंचायत के जनसुराज पार्टी के नेता प्रभाकर दुबे ने अपने आवास में पत्रकारों को एक साक्षात्कार के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपनी नाराजगी जताई। साथ ही भाजपा पार्टी पर अपना ठीकरा फोड़ा। उन्होंने ये भी कहा, शिक्षकों को बिहार सरकार बहुत ही परेशान कर रही है। सही समय पर मासिक भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे भुखमरी के कगार पर है। शिक्षा में तभी सुधार होगा जब सही समय पर वेतन का भुगतान हो। साथ ही केंद्र सरकार पर खूब गरजे। उन्होंने ये भी कहा, 24 अप्रैल माह में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। जनता से आग्रह किया, भाजपा को वोट नहीं दे। उक्त मौके पर प्रेम प्रकाश दुबे, रामलगन यादव, नसीब खान, भगवान सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। देखिए, एजेंडा तो सबसे पहले आपका भी घर मांझिए है, हमारा भी घर मांझिए है। इस चीज को आप देखिएगा कि एक तो सबसे पहले यहां शिक्षा होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात एमएलसी महोदय ने एक दिन कहा कि मैं उस स्थिति और उस गरीबी से आता हूं कि सुबह में अगर खाएं हम लोग तो रात को खाने के लिए सोचना पड़ता था। तो वो अव्यवस्था को बदलने के लिए हमारे ऊपर सरस्वती का आशीर्वाद हुआ, तो मैं आईआईटी गया और वहां से जब पढ़ा तो मैं पूरे इतिहास को बदल दिया, पूरे परिवार को बदल दिया, पूरे अपने समाज के लोगों को बदल दिया, पूरे हित मित्र और साथियों को बदल दिया। तो एक शिक्षा ही ऐसी चीज है कि जिससे कोई भी असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को अगर दुरुस्त किया जाए, बच्चे लोग अगर पढ़ेंगे तो आज नहीं लेकिन 10 साल के बाद तो भविष्य बदलेगा ही बदलेगा। अब आप देख लीजिए कि अपने मांझी में कोई इंटर कॉलेज है, ग्रेजुएशन करने के लिए बच्चे लोग और इंटर करने के लिए बच्चे लोग उत्तर प्रदेश बलिया देवरिया गोरखपुर जाते हैं और एक के पाठक महोदय आए हैं कि टीचर लोग एकदम चाबी लगाईले हैं। तो चाबी लगाने से थोड़े हो गया, तनख्वाह देते हैं 5-5 महीना 6-6 महीना पर और प्रधानाध्यापक लोग को चाबी लगाते हैं। पहले अपनी गलती को ठीक करें तब न किसी की गलती को ठीक करिएगा। शिक्षक भी एक गरीब परिवार से आता है, किसान परिवार का लड़का होगा, उसके घर में अगर मान लीजिए राशन नहीं है, 4 से 5 रिजर्वेशन लगता है और बाकी सारा एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी हो गया है। नेता लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है, तो पिछड़े राज्य के लोग जो हैं तो क्या फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और टू टायर में चलेंगे? जिस भाजपा को हम लोग बिहार में 39 सीट दिए थे, 40 में 39 सीट है बिहार में एनडीए गठबंधन को, और वह एनडीए वही प्रधानमंत्री। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मढ़ौड़ा आए थे और उन्होंने कहा था इस बात को कि मैं मढ़ौड़ा की मिठास को जाने नहीं दूंगा। एटम बम की फैक्ट्री, मोटन चॉकलेट की फैक्ट्री और मढ़ौड़ा चीनी मिल को मैं यथाशीघ्र चालू करूंगा। तो पिछला 5 साल बीत गया और अभी 5 साल बीतने जा रहा है, 10 साल के विधानसभा के चुनाव में अभी तक मढ़ौड़ा की मिठास वापस नहीं आई। तो हमारा बिहार वासियों से नम्र निवेदन है कि बिहार के लोग इस बार भाजपा को वोट न दें, क्योंकि अगर देंगे तो फिर वही स्थिति हमारी बनेगी जो अभी सामने है। कभी पलटू चाचा से संबंध होता है तो कभी पशुपति पारस से संबंध बनता है तो कभी चिराग पासवान से संबंध बनता है। तो हम लोग जानता मूर्ख है कि भाजपा आरजेडी जदयू में बटा रहेगा। इस बार हम लोग बिहार के लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, या पूरे बिहारवासी से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करेंगे। थैंक यू। बच्चे भूखे रहेंगे तो बच्चे को पढ़ाएगा स्कूल में जाकर के, राशन का व्यवस्था करेगा? पैसा आप देते हैं 5-5 महीना 6-6 महीना पर, उसको सुचारू रूप से करिए। पहले उसकी घर की व्यवस्थाएं ठीक करिए, जिससे उसका व्यवस्था बनेगा, तब ना उसका उसको आप कहिए कि ये काम आप करो। आप किसी मजदूरा से मजदूरी कराते हैं, 400 रुपया मजदूरी उसको देते हैं, आपके 8 घंटा वो काम करेगा, शाम को अगर आप उसको 400 दे दिए तो अगले दिन हंसी खुशी से फिरा करके काम करता है, तो आधा घंटा ज्यादा हो करके जाएगा। लेकिन 400 के बदले कल आप उसको एक दिन रोक करके दूसरे दिन 450 दीजिएगा तो भीतर से नाराज हो जाएगा। तो टीचर भी एक मजदूरे ना है, बच्चे को पढ़ाता है। सर्टिफिकेट लावो आ पास कर जा, एगो लालू जी के नारा रहे कि सर्टिफिकेट लावो पास कर जा, बिया करे के बाद हाँ तो चीट करके पास कर जा, कोनो बात नहीं है। लेकिन जब नीतीश जी आई ले तो कहले कि सर्टिफिकेट ले आवा, जेकर मार्क्स बेसी है ओकरा के नौकरी दे। तो प्रधानाध्यापक के एगो आवेदन लिखे के पड़े में तो दिक्कत ना होगा।
ऐसे पहले जड़ को ठीक करना पड़ेगा। घर बनाना है, नींव अगर मजबूत नहीं होगा तो पांच तला बनेगा तो ढहिया न जाएगा। तो शिक्षा व्यवस्था अगर सुधरती है तो माझी ही नहीं पूरा बिहार बदलेगा, बिहार ही नहीं पूरा भारत बदलेगा। तो सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो अपराध का ग्राफ गिरेगा, बेरोजगारी दूर होगी, आपस की लड़ाई झगड़ाएं बंद हो जाएंगी। तो सर्वप्रथम हम लोग का कार्य यही रहेगा और हमारे इंजीनियर एमएलसी सैतानंद राय जी का भी यही प्रयास है कि शिक्षा में सुधार किया जाए। थैंक यू। निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।